तो चलिए आज बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है न्यूटन ने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यह देखा गया है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया जाता है यहां पर लिखा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व की थी कि आप यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लीजिए उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा काम कर रहे होंगे और उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है न्यूटन ने यह भी कहा कि ये फोर्सेज जो दो ऑब्जेक्ट्स या दो मासेस के बीच में लगते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं अब न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया जिस फॉर्मूले के बेस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है उसका मैग्निट्यूड कितना है तो उसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था एक लॉ दिया था और उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये जो फॉर्मूला है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के काम करता है इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर आपके पास दो हैं, एक मास है, एक मास, M1 है, एक मास M2 है, और दोनों के बीच में मान लीजिए r डिस्टेंस है यानी कि दोनों को r डिस्टेंस पर जो है रखा गया है तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन दोनों मासेज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेज यानी कि दोनों मासेज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा और उसने यह भी कहा कि दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा यानी कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ये ध्यान रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं है बल्कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस है और इन्हीं दोनों बातों को जब आप मैथमेटिकली कंबाइन कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद यहां पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यही जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आप लैंग्वेज के तौर पे यहां जो डेफिनेशन लिखी है वो लिख सकते हैं यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कै, वो कैसे निकलेगा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज ये वाली बात मैंने यहां पर लैंग्वेज के रूप में लिख दी एंड इन प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि ये वाली बात हमने यहां पर लिख दी तो ये जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखिएगा जब आपने इस फॉर्मूले के बारे में बात की तो मैंने कहा कि यही फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप यहां पर पहले मास की वैल्यू दूसरे मास की वैल्यू और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू अगर पुट करेंगे और साथ ही आप इस कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये निकाल पाएंगे कि उन दोनों मासस के बीच में कितना अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक जैसी रहती है कहीं भी चेंज नहीं करती और इसी फॉर्मूले से अगर आप कैपिटल जी की यूनिट निकालेंगे तो वो यूनिट आपको मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर और इसी फॉर्मूले की हेल्प से जब आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे यानी कि जैसे आप यहां पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला रख दें यहां पर मास का यहां पर मास का और यहां पर डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला रख दें तो सबको जब आप एक तरफ लेकर के जाएंगे तो आपके पास कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा ही ठीक है इसकी जो वैल्यू होती है उसकी बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि ये जो कैपिटल जी है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू एक जैसी रहती है इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इसकी ऐसा SI यूनिट है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है तो कुल मिलाकर के बात यह है के जो न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था यह उसकी स्टेटमेंट है और यह उसकी क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक चीज और यहां पर देखने लायक है और वो ये कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है और उसकी एक खासियत और होती है और वो ये कि दोनों मासिस के बीच में मीडियम कौन सा प्रेजेंट है उस चीज पर वो डिपेंड नहीं करता यानी कि दोनों मासिस के बीच में चाहे एयर हो चाहे वॉटर हो जब तक आपके दोनों मासिस और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है तब तक उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या रहेगा सेम रहेगा यानी कि अगर आप यह कहें कि सेम अरेंजमेंट हमने एयर में रखा है और इसी अरेंजमेंट को अगर हम अंडर वाटर भी लेकर के चले जाएं बस शर्त ये है कि ना तो आपने मासेस चेंज करने हैं और ना ही उनके बीच का डिस्टेंस चेंज करना है भले ही आप एयर से सारे सिस्टम को वाटर में ले आइए मीडियम आपने चेंज कर दिया लेकिन बाकी कुछ चेंज नहीं किया तो आप ये देखेंगे कि जो फॉर्मूला है दो दोनों के दोनों मासेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का वो हमेशा सेम रहेगा और वैल्यू भी अट्रैक्टिव फोर्स की क्या आएगी सेम आएगी तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं किस पर मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू मासेज या मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स तो अभी जैसे हमने पीछे देखा कैपिटल जी के बारे में कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ये अब एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं स्मॉल जी के बारे में और स्मॉल जी के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये होती है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं देखिए मान लो ये अर्थ है और इस अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल एम और हम ये जानते हैं कि पूरे के पूरे मास को हम अर्थ के सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरे के पूरे अर्थ का मास उसके सेंटर पर रखा हुआ है और वो सेंटर है ओ इसीलिए मैंने यहां पर कैपिटल एम आपको दिखा दिया अब ये देखिए ये जो पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है यहां पर एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि आप ये मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर रखा गया है और उसका मास है स्मॉल यानी कि कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ विच इज टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट ओ दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज लाइंग अब देखिए आप जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है और जो अर्थ का सेंटर है वहां की जो दूरी है दोनों पॉइंट्स के बीच की उसको हम कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों मासस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो नेचुरली हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं जैसा कि आप देखिएगा कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी आ गया एम वन की जगह मैंने रख दिया मास अर्थ का एम टू की जगह मैंने रख दिया मास उस बॉडी का तो एम वन एम टू की जगह दो मासेज मैंने रख दिए और डिवाइड बाय जो स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस होता था आप ये देखिए दोनों मासज के बीच में डिस्टेंस कितना है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तो इसीलिए यहां पर कैपिटल आर का क्या आ गया स्क्वेयर तो इस फॉर्मूले से हम इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स निकाल सकते हैं उसके बाद आप देखिए इस स्मॉल एम को मैं एफ के नीचे ले गया और फिर मैंने इसको स्मॉल जी का नाम दे दिया और इसी तरह स्मॉल जी का ये मेरे पास क्या आ गया एक फॉर्मूला आ गया इस फॉर्मूले की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एफ बाई एम को हमने स्मॉल जी क्यों रखा देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप ये भी जानते हैं कि अगर फोर्स ग्रेविटी का हो तो एक्सलरेशन भी ग्रेविटी वाली होगी यानी कि आप यहां ए की जगह क्या रख देंगे जी रख देंगे ठीक है तो एम ए की जगह आ गया एम जी और ये फोर्स आप समझ गए होंगे ये वो फोर्स है जिसको आप ग्रेविटी का फोर्स कहते हैं और यही चीज वेट के बराबर भी होती है आप जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को धरती अपनी तरफ कितना फोर्स लगा करके खींच रही है उसी फोर्स को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट भी बोलते हैं तो आप यहां चाहें तो इस एफ की जगह डब्लू भी लिख सकते हैं क्योंकि बेसिकली वेट भी क्या होता है एक फोर्स ही होता है तो मैंने क्या किया इस एफ को एफ ही रहने दिया और ये मान के आप चलेंगे कि यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और एम की जगह एम आ गया और ए की जगह आ गया जी तो नेचुरली आप ये देखिए जब इस एम को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो फोर्स बाय मास ये चीज किसके बराबर आ गई एक्सलरेशन due टू ग्रेविटी के बराबर आ गई और आप वैसे भी देखिए ये पूरी अर्थ क्या करेगी इस मास को नीचे अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो इसीलिए एफ m को मैंने क्या पुट कर दिया स्मॉल जी के बराबर पुट कर दिया अब एक चीज आप यहां से देख सकते हैं कि जो स्मॉल जी है एक्सल रेशन टू ग्रेविटी वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है ये तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके अलावा ये है मास ऑफ अर्थ और ये है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि इस फॉर्मूले से एक बात तो क्लियर है और वो ये कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती वो मैंने यहां पर लिखा है वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पे एक तो मास ऑफ द प्लेनेट और क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो यहां मास ऑफ द अर्थ आप समझ के चलेंगे और नीचे है स्क्वेयर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट और क्योंकि हम प्लेनेट किस पर हैं अर्थ पर तो नेचुरली ये क्या है अर्थ की रेडियस का स्क्वेयर है तो आप ये देखिएगा कि जो हमारी स्मॉल जी है अब यह कैपिटल जी तो कॉन्स्टेंट है है ना वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है जिस प्लैनेट पर आप हैं उसके मास पर और जिस प्लेनेट पर आप हैं उसकी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है तो इसीलिए मैंने लिखा कि मास और रेडियस पर ही बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है और क्योंकि आप ही देखिए कि बाकी जितने और प्लेनेट्स हैं अर्थ के अलावा सबका मास और सबकी रेडियस अर्थ से अलग अलग है इसीलिए उन अलग अलग प्लेनेट्स पर जी की वैल्यू भी कैसी है अलग अलग है ये बात आपको समझ में आ गई होगी जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मून की बात करूं तो मून का मास और मून की रेडियस अर्थ से डिफरेंट है इसीलिए वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी अर्थ के मुकाबले डिफरेंट होगी और अगर अब मैं यहां पर आपको कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो बताऊं तो कैपिटल जी की वैल्यू इतनी होती है ये आपको बुक्स में बड़े आराम से मिल जाएगी आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं तो ये वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे और मास ऑफ द अर्थ जो कि इतना होता है उसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे और रेडियस ऑफ दी अर्थ जिसकी वैल्यू इतनी होती है वो आप यहां पर रखेंगे तो आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू एस आई के अंदर आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो कुल मिलाकर के हमने इस जगह पर सिर्फ यह देखा कि जो फॉर्मूला है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो किसके बराबर है कैपिटल एम इन टू कैपिटल जी डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वेयर यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये है मास ऑफ प्लेनेट और यह है स्क रेडियस ऑफ द प्लेनेट और जब आप इन तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो जिस भी प्लेनेट की बात आप कर रहे हैं उस प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू यानी कि एक्सलरेशन डू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी लेकिन अगर आप अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस करेंगे तो अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो इतनी आपके पास आ जाएगी और ये आप याद रख सकते हैं मास ऑफ द अर्थ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये रेडियस ऑफ द अर्थ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है और ये कैपिटल जी की वैल्यू है इन सबको यहां जब आप पुट करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर आ जाएगी